वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9, में हूं मोहित। एक बार फिर बिहार में जो है चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है और ये चुनाव जो है उपचुनाव होगा और पूर्णिया के जो रुपौली विधानसभा सीट है यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है। आरजेडी की जो बीमा भारती है उसके इस्तीफे के बाद यह रुपौली में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इसके लिए 14 जून को अधिसूचना जारी होगी और 21 जून तक नामांकन किया जाएगा। वहीं 24 जून को जो नामांकन पत्र है उसकी जाँच होगी। 26 जून तक नाम वापसी का समय रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को इसकी काउंटिंग भी हो जाएगी। आपको बता दें कि रुपौली विधानसभा सीट से बीमा भारती जदयू की विधायक थी, जिन्होंने इस्तीफा देकर आरजेडी ज्वाइन किया। आरजेडी ज्वाइन करने के बाद पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ी, जहां उनकी करारी हार हुई। इस बार फिर जो विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव वहां होने जा रहा है, अब देखना यह है कि बीमा भारती वहां से खड़ी होती है या यहां कयास लगाया जा रहा है कि इस उपचुनाव में बीमा भारती की जो बेटी है वो इस बार चुनाव में लड़ेगी। वहीं आपको बता दें कि बीमा भारती रुपौली विधानसभा क्षेत्र से लगातार 5 बार से वो विधायक चुनती आ रही है। 2000 में उन्होंने निर्दलीय अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। निर्दलीय जीतकर वो जो है आरजेडी की सत्ता ग्रहण कर ली थी। फिर 2005 में जो चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और वहाँ से जो एलजेपी के शंकर सिंह है उन्होंने चुनाव जीता था, जिसके बाद उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा देकर फिर उन्होंने जदयू की सत्ता ग्रहण की और वहाँ से लगातार जो है वो विधायक बनती आ रही है। इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ है उस लोकसभा चुनाव में जो है उन्होंने जदयू से इस्तीफा दे दिया और फिर एक बार आरजेडी का दामन थाम के यहाँ से पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ा था। रुपौली विधानसभा क्षेत्र जो है ये भी एक हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ जो है 3 प्रखंड रुपौली विधानसभा अंतर्गत में आते हैं, जिसमें बीकोठी, रुपौली और भवानीपुर हैं। और वहीं रुपौली विधानसभा सीट का बात करें तो रुपौली विधानसभा सीट का गठन 1951 में हुआ था। रुपौली विधानसभा में 3 प्रखंड आते हैं, जिसमें रुपौली, भवानीपुर और बराड़ा कोठी शामिल है। यहाँ पर जो है कुल 42 पंचायत हैं और यहाँ पर 16 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें एक उपचुनाव भी शामिल है। वहीं बात करें इस हाई प्रोफाइल सीट की तो यहाँ 6 बार कांग्रेस, 2 बार जदयू, 2 बार सीपीआई और 2 बार निर्दलीय चुनाव जीते हैं। वहीं 1 बार समाजवादी पार्टी, 1 बार एलजेपी, 1 बार आरजेडी और जनता दल ने भी यहाँ पर जीत दर्ज की है। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।